हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी ब्लॉक 3। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिव्यू किया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स साइट जो कि हमारी लॉथल में। अब देखिए, ये आपके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ऑल राइट, अब यहाँ पे जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन वगैरह हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है उसको हम करेंगे कवर, ओके। फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखिए, अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है जुलाई का एक्सटेंशन ऑफर। यहाँ पर अगर आप लोग एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो उसी हिसाब से आपको एक्सटेंशन ऑफर मिल जाएगा। जब भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज AMS Live यहाँ पर कोड है, इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। फिर अनअकैडमी लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, डू एनरोल इन दिस प्रोग्राम। आरंभ बैच यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यू कैन एनरोल इन दिस बैच एज वेल। देन ऑप्शनल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। फिर यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्बैट लेकर आया है, जो कि 9 जुलाई को होगा 11 बजे, इसमें एनरोल करना ना भूलें। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसको डेवलप किया गया था अंडर दी सागरमाला स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, वो भी कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। बैकग्राउंड की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2022 में, एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3,500 करोड़। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो NMHC जो है इसको डेवलप किया गया है विद द एम ऑफ डिस्प्लेइंग इंडियाज डाइवर्स मैरिटाइम हिस्ट्री एंड ऑल्सो हेल्प लॉथल इमर्ज एज अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नाउ यहाँ पर हमें चार थीम पार्क देखने को मिलेंगे। पहला है मेमोरियल थीम पार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका मैरिटाइम नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। इट विल ऑल्सो हाउस द वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, 14 गैलरीज जो कि यहाँ पर हाईलाइट करेंगी हिंदुस्तान का मैरिटाइम हेरिटेज, जो कि स्टार्ट करता है फ्रॉम द हरप्पन टाइम और वो भी अब तक, हरप्पा से लेकर अब तक का जो टाइम है वो हमें इसमें हाईलाइटेड देखने को मिलेगा। एज वेल एज जो कोस्टल स्टेट्स पवेलियन है वो डिस्प्ले करेगा द डाइवर्स मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड क्यूटीज। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लॉथल की। तो देखिए, जो मेजर साइट्स हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो, ये हमारी इंडस नदी है, जहाँ पर जो मेजर साइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन है आपका, राखीगढ़ी है, ऑल राइट। यहाँ पर धोलावीरा है गुजरात में, लॉथल है, हिसार। यहाँ पर आप ये सारी जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जो मेजर साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यहाँ पर मेंशन करी गए हैं, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं लॉथल के बारे में। तो लॉथल की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये सिचुएट करता है नियर द विलेज ऑफ सरागवला। सरागवला है आपका धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और यहाँ पर जो नियरेस्ट सिटीज़ हैं वो धोलका और बागोदारा है। अब नाम की बात करूँ तो देखिए, जो मतलब है लॉथल का वो यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ लोथ यानी कि थाल, ठीक है। और गुजराती में द माउंड ऑफ डेड इस टर्म को बोला जाता है, मतलब जो लोथ है उसको मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड, ठीक है। इंसिडेंटली जो नाम है सिटी का, ठीक है, द नेम ऑफ सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, जो कि आज आपके पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है, उसका भी सेम मतलब है सिंधी में, ठीक है जी। वो भी यहाँ पर सेम जो मतलब है माउंट ऑफ डेड, वही मोहनजोदड़ो का है, वही लॉथल का है। ऑल राइट, चलिए इसके बाद लॉथल की अगर हम बात करें एज ए इंडस वैली साइट, तो लॉथल वाज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लोकेट करता है बाल रीजन, ठीक है, ऑफ व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ गुजरात। टाइम टाइम की बात करें तो जो पोर्ट सिटी है इसको माना जाता था कि ये यहाँ पर 2200 BC के टाइम पर बनवाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर डिस्कवर किया गया था लॉथल को 1994 यानी कि 1954 में। इन लेटर एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दे हैव अनअर्थ द माउंट
अ टाउनशिप, अ मार्केट प्लेस एंड अ डॉक एट द लॉथल। ट्रेड की बात करें तो लॉथल जो था दैट वॉज अ थ्राइविंग ट्रेड सेंटर एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, जिसमें हमें ट्रेड ऑफ बीड्स देखने को मिला, जेम्स, ऑर्नामेंट्स रीचिंग वेस्ट एशियाज एंड अफ्रीका। चलिए तो ये था आपकी आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो क्लियरली समझ में आओगा। कोई भी डाउट रहता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय ऑल ऑफ यू।